सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट के कामकाज का बंटवारा कर दिया है। पीएम के अलावा कुल 57 मंत्रियों को मंत्रालय बांटे गए हैं। इनमें से अमित शाह गृह मंत्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। कई मंत्रालय ऐसे भी हैं जो किसी को नहीं दिए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने पास रखा है। इनमें कार्मिक मंत्रालय और अंतरिक्ष मंत्रालय शामिल हैं। प्रधानमंत्री के पास हैं ये मंत्रालय। नंबर एक प्रधानमंत्री कार्यालय, नंबर दो कार्मिक मंत्रालय, नंबर थ्री जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, नंबर चार एटोनॉमिक एनर्जी मंत्रालय, नंबर पाँच अंतरिक्ष मंत्रालय, नंबर छह पॉलिसी से जुड़े सभी मुद्दे, नंबर सात जो भी जिम्मेदारी किसी को नहीं मिली वह है प्रधानमंत्री के पास। गौरतलब है कि पिछले कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री के पास ये सभी विभाग थे। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से सभी मंत्रालय अपने पास रखे हैं। आपको बता दें कि अंतरिक्ष मंत्रालय के अंतर्गत ही इसरो आता है, जो इस समय चांद पर इंसान भेजने के मिशन पर काम कर रहा है। वहीं अगर कार्मिक मंत्रालय की बात करें तो इसके जिम्मे सभी केंद्रीय अधिकारियों के ट्रांसफर से जुड़े मामले रहते हैं। पिछले कार्यकाल में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तबादले से जुड़े कई मामले सामने आए थे। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।